टेक्नोलॉजी हाउस हिंदी में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम आपको पेमेंट रिसीव्ड, काउंट्रा एंट्री, जनरल एंट्री और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको एक बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अंदर कैटेगरी लेनी पड़ेगी, ग्रुप जो लेना पड़ेगा वो बैंक अकाउंट लेना पड़ेगा। ये हमारा पहले से क्रिएट है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो बैंक अकाउंट जो है क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले पेमेंट की एंट्री करना सिखाएंगे। पेमेंट की एंट्री करने के लिए सबसे पहले किस पार्टी को पेमेंट करना है उसके लिए हमको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेमेंट की एंट्री कैसे होगी। तो दोस्तों यह है पेमेंट की एंट्री। पेमेंट और रिसीप्ट में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, पार्टी पहले आएगी और कैश और बैंक जो भी है वो सेकेंड नंबर पर आएगा। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, पार्टी पहले, कैश और बैंक बाद में। तो ये पार्टी है हमारी एक्सपर्ट, 31,673 रुपये का इसको हमने पेमेंट करा है। तो दोस्तों इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम इसका अकाउंट चेक करेंगे पार्टी का, इस पार्टी को पैसे कितने देने थे। तो ये हमारी एक्सपर्ट कंप्यूटर पार्टी आ गई, इसमें हमको पैसे इसको देने हैं 39,193, लेकिन हमको ड्यू डेट के हिसाब से 31,673 रुपये ही देने हैं। तो पेमेंट में हम एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले हम तारीख चेक करेंगे। ये हमने पेमेंट करा है 27 फरवरी को, 27 फरवरी को पेमेंट करा है तो तारीख डाल दी 27 फरवरी, नॉट एप्लीकेबल। अब पार्टी ले ली हमने एक्सपर्ट कंप्यूटर, ये हमारी पार्टी आ गई, 31,673 रुपये हमने उसको पेमेंट करा है। दोस्तों ये 31 पार्टी मैंने बताया आपको, पेमेंट या रिसीव कोई भी एंट्री करोगे तो पार्टी पहले आएगी। अब इसका हम बिल वाइज एडजस्टमेंट करेंगे। एक बिल हो गया 24,153, जिसको हमने इस बिल अमाउंट के थ्रू एडजस्ट किया है। दूसरा हमारा जो पेमेंट होता है ये बिल हो गया 7,520 रुपये, ये दोनों जो बिल है इस अमाउंट के थ्रू एडजस्ट हुए हैं। दोस्तों यहाँ नरेशन में हम कुछ भी लिख सकते हैं, और नीचे आ गया कैश या बैंक। अगर उस पार्टी को आपने कैश दिया है तो यहाँ आप कैश कर सकते हैं, और अगर उस पार्टी को आपने बाय बैंक एंड पैसा दिया है तो बाय बैंक कर सकते हैं। अब यहाँ आपने चेक के थ्रू दिया है तो आप यहाँ चेक नंबर डाल सकते हैं, और अगर आपने उसको नेफ्ट किया है तो आप नेफ्ट लिख के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेमेंट है इस पार्टी का हो गया, सेव कर लिया। अब हम इस पार्टी का लेजर खोल के देखेंगे, इसका हमने लेजर खोला, ये दोस्तों ये पेमेंट हो गया 31,673 रुपये। अब बचा 7,520, वो नेक्स्ट टर्म में करेंगे। अब हम दूसरी पार्टी निकालते हैं, दूसरी पार्टी का पेमेंट कैसे होगा वो हम देखते हैं। अभी दूसरी पार्टी हमने जो बैंक की लिस्ट निकाली उसमें ये है प्रॉस्पर, 26 जनवरी को हमने प्रॉस्पर कंप्यूटर को पेमेंट किया। अब इसका पेमेंट कैसे होगा, ये 36,980 रुपये। दोस्तों अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, वही तरीका, पेमेंट और रिसीव्ड में किसी की भी एंट्री आप करोगे तो पार्टी पहले आएगी, बैंक और कैश बाद में आएगा। ये आप जब भी एंट्री करें तो ध्यान रखें। 26 तारीख को हमने इस पार्टी को पेमेंट किया, ये पार्टी पहले आ गई और 36,980 रुपये का हमने पेमेंट किया, ये पेमेंट आ गया। दोस्तों ये वीडियो को ज़रूर देखते रहें, स्किप ना करें, हम इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ये दो जो बिल हैं वो इस अमाउंट के थ्रू हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, बिल वाइज पेमेंट करा है, तो ये दो बिल एडजस्ट हो गए, 36,980 रुपये इसका पेमेंट आ गया। तो ओके कर दिया। अब नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब पेमेंट आपने कैश किया तो कैश कर सकते हैं, बाय बैंक किया तो बैंक कर सकते हैं, चेक दिया तो चेक नंबर डाल दें, और नहीं तो नेफ्ट किया तो आप नेफ्ट लिख दीजिए। तो दोस्तों ये पेमेंट हो गया, इसको नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये सेव कर लिया। दोस्तों इस तरह से हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। अब एक पार्टी का हम और एंट्री करके दिखाते हैं, ये है मैप्स इमेजरिंग, इसका हम अकाउंट खोल के देखते हैं ये हमारे में कितने पैसे मांगता है। तो हमने इसका अकाउंट खोला दोस्तों, 1,22,000 ये हमारे में मांगता है, लेकिन हमने इसको पेमेंट सिर्फ 50,000 किया है। तो आपको उसकी बिल वाइज एंट्री करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ पेमेंट की एंट्री कर लें। हमने तारीख डाल दी, किस तारीख को हमने इसको पेमेंट किया है, इसको हमने पेमेंट किया है 26 को, 26 को मैप्स इमेजिंग अमाउंट डाला 50,000, हमने बिल वाइज पेमेंट नहीं करा। तो यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दिया हमने खाली, वही क्रेडिट के अंदर कैश या बैंक जो आपने करा हो, और नेफ्ट किया हो तो नेफ्ट, और नहीं तो अगर आपने पेमेंट बाय चेक दिया हो तो बाय चेक और चेक नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने सेव कर लिया, ये सेव हो गया। ये तो दोस्तों हमारी थी पेमेंट की एंट्री। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट की एंट्री
कैसे की जाती है ये हमने आपको बता दिया है। ये हमने इसका अकाउंट खोल दिया पार्टी का, ये 50,000 की एंट्री हो चुकी है और 72,000 अभी बाकी है। दोस्तों ये थी हमारे पेमेंट की एंट्री। तो पार्टियों को पेमेंट कैसे होता है, अब पार्टियों के अलावा दूसरी तरह का भी पेमेंट हमारे अकाउंट्स में होता है, जैसे हमारे बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, तो इस तरह का भी हमारे अकाउंट्स में एडजस्टमेंट होता है। तो हम बिजली का बिल, मोबाइल का बिल, इस तरह के बिल हम एंट्री कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब वो वाली एंट्री बताएंगे कि हम इस तरह का एंट्री कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये हमारी बैंक की लिस्ट है। अब इसमें 699 रुपये जो हैं ये हैं मोबाइल रिचार्ज के। अब 699 रुपये की एंट्री कैसे करेंगे, वही हम पेमेंट में जाएंगे, वही तरीका, पहले पार्टी और फिर कैश या बैंक। हम इस एंट्री के अंदर तारीख चेक कर ली, तारीख डाल दी हमने 11/2। अब ये मोबाइल का बिल है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस 699 रुपये। और यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हो कोई मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर जिसका आपने बिल चुकाया हो। कैश अगर आपने दिया हो तो यहाँ कैश कर दीजिए, और अगर आपने बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया है तो यहाँ बैंक कर दीजिए। और अगर चेक दिया है तो चेक नंबर डाल सकते हैं। तो हमने नेफ्ट किया तो यहाँ इसकी एंट्री हो गई, इसको नेफ्ट कर दिया। उसके बाद नरेशन में कुछ लिखना हो तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको आप सेव कर लीजिए। तो दोस्तों टेलीफोन मोबाइल रिचार्ज जो भी है वो टेलीफोन एक्सपेंसेस के अंदर ही आता है। अब हम दूसरी एंट्री चलेंगे तो हम ये आ गया हमारा बिजली का बिल। अब बिजली के बिल में आपको कैसे एंट्री करनी है, तारीख डाल दी हमने वापस, वही पेमेंट की एंट्री पार्टी पहले आएगी, इसको भी हमने पेमेंट किया वो पहले आएगा, कैश और बैंक बाद में आएगा। यहाँ पर हमने एंट्री करी डेबिट, ये हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यहाँ हमने 2906 रुपये जो है बिजली के बिल को चुकाए थे, तो यहाँ पर आ गए 2906 रुपये। बाय बैंक, बाय कैश आपने जो भी पेमेंट किया हो उसको यहाँ एंट्री करें, और अगर आपने बाय बैंक किया है तो चेक नंबर अगर कोई होता है तो यहाँ चेक नंबर डाल दें, और नहीं तो अगर आपने ट्रांसफ़र किया है तो NEFT लिख के छोड़ दें। दोस्तों ये हो गया हमारा सेव। तो यहाँ ट्रांजेक्शन में लिख सकते हैं शॉप किस, कौन सा बिल चुकाया था आपने, शॉप इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ हमने लिख दिया है दुकान का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो हमने चुकाया है। तो यहाँ आप कुछ भी नरेशन में लिख दें और उसको सेव कर लें। तो दोस्तों इस तरह से जो खर्चों की एंट्री है वो भी पेमेंट के अंदर ही जाएगी। अब ये लिस्ट निकाल ली हमने वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी हमने एंट्री की थी, ये जो खर्चे की एंट्री थी वो हमारी आ गई। अब हमको नेक्स्ट एंट्री क्या करनी है इसके अंदर, नेक्स्ट एंट्री जो है आपको लिस्ट में देखना पड़ेगा क्या करनी है। ये 695 रुपये, 961 रुपये, ये जो एंट्री है ये हमारे टेलीफोन के बिल, फाइबर लाइन के बिल, अलग अलग बिलों की अलग अलग एंट्री होती है। तो ये 695 रुपये की एंट्री करके दिखाएंगे दोस्तों, 961 रुपये की, कि 961 रुपये जो है BSNL फाइबर जो हमने कनेक्शन ले रखा है उसका बिल है, उसका एक्सपेंस है। अब आपने उसको कैश या बैंक जैसे भी करा हो, चेक या नेफ्ट जो भी करा हो, तो यहाँ पर वही एंट्री जो हम करते आ रहे हैं उसी तरह की एंट्री यहाँ कर दी हमने। ये बाय नेफ्ट किया है तो बाय नेफ्ट कर दिया, और हमने इसको नरेशन में कुछ लिखना है तो सेव कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पेमेंट और शॉप के जो भी खर्चे होते हैं उसकी एंट्री हम कर सकते हैं। ये दोस्तों ये वो आ गया टेलीफोन का बिल जो हमने आपको दिखाया था, ये टेलीफोन का बिल आ गया। अब दूसरी कोई एंट्री दोस्तों जो हमारे खर्चों की है वो भी हम ऐसे ही बैंक की एंट्री कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी बातें हम बताने वाले हैं। अब नेक्स्ट एंट्री आती है सैलरी। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो सैलरी की एंट्री कैसे करेंगे, सैलरी जो भी खर्चा हो आपको उसी कैटेगरी में डालना है। ये 12,000 रुपये सैलरी दी है, पार्टी पहले और बैंक और कैश बाद में, ये हर एंट्री में ध्यान रखिएगा आप। बैंक कैश नेक्स्ट में नीचे आएंगे और पार्टी ऊपर आएगी, भले पेमेंट हो या रिसिप्ट हो, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने जो भी लड़का था दुकान का उसको सैलरी दी, नेफ्ट करा है, आप नीचे नरेशन में लिख सकते हैं किसको सैलरी दी और कौन से महीने की सैलरी दी। तो हमने नरेशन में यहाँ लिख दिया है सैलरी पेड टू मनोज, तो मतलब इसको हमने कब की सैलरी दी है, मंथ जो भी है, मंथ जनवरी, तो जनवरी मंथ की हमने उसको सैलरी दी है, तो हमने नरेशन में लिख दिया जिससे कि हमको ये ध्यान रहे कि हमने कौन से महीने की सैलरी दी है। जनवरी महीने की सैलरी हमने फरवरी में दी है। तो दोस्तों ये तो एंट्री हो गई हमारी पेमेंट की। अब इसमें सैलरी अभी हमने जो दी है उसकी एंट्री चेक कर लें, ये आ गई सैलरी 20/2 की, ये हमने उसको सैलरी दी है उसकी एंट्री यहाँ पर आ गई है। तो दोस्तों ये वीडियो देखते रहिएगा ध्यान से, इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। नॉन अननोन सोर्स के थ्रू कई बार हमारे पास पेमेंट आता है, उसकी एंट्री हम कैसे करें, सिंगल एंट्री में हम आपको ये बताएंगे
कि आपको अगर अननोन सोर्स के थ्रू कहीं से पैसा आता है तो आपको दो एंट्री अलग अलग, सेल्स की और बैंक की एंट्री अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अननोन सोर्स के थ्रू अगर आपके पास पैसा आता है तो आप सिंगल एंट्री कैसे करें। तो दोस्तों ये एक एंट्री है जो हमारे पास नोन सोर्स के थ्रू पैसा आया है, इसको हमने बिल बना के दिया था। तो हमारे पास बिल बनाने के बाद ये पेमेंट आया है हमारे पास, बिल बनने के बाद तो ये पेमेंट जो है एक कंपनी के थ्रू आया है। हमने पार्टी को बिल बना के दिया, ये उसका लेजर है, ये हमने 84,000 का उसका बिल बना के दिया, बैलेंस 84,000 आ रहा है। तो उस पार्टी ने हमको पेमेंट किया। तो अब हम करेंगे रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री में ऐड में चले गए, तारीख डाल दी हमने, जिस तारीख को हमारे पास पेमेंट आया, ये तारीख आ गई 25/2 को हमारे पास पेमेंट आया बाय चेक, बाय नेफ्ट, जो भी तरीके से आया है। और हमने पहले भी आपको समझाया है पेमेंट और रिसिप्ट कुछ भी करो पार्टी पहले आएगी। तो जिस पार्टी से हमारे पास पेमेंट आया उसका नाम आ गया, कैश या बैंक जो भी आया है, बैंक के थ्रू पेमेंट आया है, अब उसने चेक दिया या नेफ्ट किया, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उसने करा नेफ्ट, तो ये नेफ्ट की एंट्री हो गई, ये हमने कर लिया सेव। तो ये दोस्तों ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अब किसी और पार्टी से हमारे पास कोई पेमेंट आया है तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे अमाउंट हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो, ये छोटे छोटे अमाउंट वो अमाउंट है जो दिन भर हमारी दुकान पर कस्टमर आता है, छोटे छोटे आइटम लेता है लेकिन बिल लेकर नहीं जाता है, लेकिन वो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू हमारे को पेमेंट करता है। तो दोस्तों जितना भी पेमेंट हमारे को एक नंबर में हमारे बैंक अकाउंट में आया, उनका बिल काटना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका बिल नहीं काटोगे तो आपका बैंक और सेल्स का भी मैच नहीं करेगा, आपकी सेल और बैंक और कैश का भी मैच नहीं करेगा। तो ये डायरेक्ट पैसा कस्टमर के अकाउंट से हमारे बैंक में आया है। तो दोस्तों जितनी भी लिस्ट ये है डेली, इसका आपको टोटल लगाना है कि कितने लोगों का पेमेंट ऐसा है जिसका हमने बिल नहीं बनाया है। तो दोस्तों जैसे 250, 500, 1900, 300, 100, ये टोटल पर डे का आपको लगाना है कि हमारे पास कितने लोगों का पेमेंट ऐसा आया है जो पेमेंट तो हमारे अकाउंट में आ गया लेकिन हमने बिल नहीं बनाया। तो हमको अब इसका बिल कैसे बनाना है और सिंगल एंट्री कैसे करनी है कि हमको दो एंट्री ना करना पड़े, पहले सेल्स और फिर बैंक। तो हम सिंगल एंट्री में आपको ये बताएंगे कि सिंगल एंट्री में आपको एंट्री कैसे करनी है, जिससे कि ये जो एक नंबर में आपके पास पेमेंट आया है इसका बिल कैसे बनाना है। तो उसका बिल जो बनेगा, आपके पास जो एक्स्ट्रा स्टॉक में मटेरियल है जो बिक चुका है लेकिन आपने उसका बिल नहीं बनाया है, तो आपको उस आइटम का बिल बनाना है। तो ये 6,375 रुपये होते हैं। अब हम आपको देखते हैं कि इसका बिल कैसे बनेगा। आपको पर डे एक एंड में एक बैंक के नाम पे बिल बनाना पड़ेगा। ये 27 तारीख का हमने लिस्ट निकाल ली, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, ये पूरे उस दिन की लिस्ट है जिस दिन का हमारे पास अननोन सोर्स से पैसा आया है, और ये वो पार्टियाँ हैं जिनको हमने बिल बनाया है। तो इसमें हमको एक ये बिल इंडसइंड बैंक के नाम पे हमने बना रखा है, इसका मतलब ये वो बिल है कि पार्टी ने हमारे को पेमेंट किया है। तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया। दोस्तों ये बिल कैसे बनाया हमने, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कैश की एंट्री कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करा हमने, किसी पार्टी ने हमको पेमेंट एक नंबर से करा और उस पार्टी ने हमारे से हाथों हाथ बिल बनवा लिया, तो हमने उस पार्टी का नाम बैंक में डाल के उसका प्रिंट निकाल दिया, तो वो बैंक टू बैंक एडजस्ट हो गया। तो अब इसमें से हमारे को जो बिल बना है इसमें से 1900 रुपये लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1900 रुपये का हमने पार्टी के नाम बिल काट चुके हैं। बाकी बचे हुए हमको कैसे बिल बनाना है वो देखते हैं। वापस हम पार्टी की लिस्ट निकालते हैं, ये लिस्ट आ गई। तो ये जो बैंक वाले लिस्ट बैंक वाला था लास्ट, वो तो हमने किसी पार्टी को चेक काट दिया, बिल काट दिया, उसका पैसा हमारे बैंक के थ्रू आया था। अब हमको एक बिल बनाना पड़ेगा बैंक के नाम पे, और 5,115 रुपये जो ऐसे थे जिसका हमने बिल नहीं काटा लेकिन हमारे पास बैंक में आए, तो हमको एक बिल बैंक के नाम पे काटना पड़ेगा 5,115 का। ये सिंगल एंट्री से दोस्तों ये आपका जो अननोन सोर्स से जो बैंक में पैसा आया वो एडजस्ट हो गया। अब आपको दो एंट्री नहीं करनी, सेल्स करके और बैंक की एंट्री नहीं करनी, सिंगल बैंक की एंट्री हो गई, इससे बैंक में एंट्री भी हो गई और सेल्स भी हो गया। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अननोन सोर्स से जो पैसा आया है आप शाम को बैंक के नाम पे बिल बना दें तो वो आपकी डबल एंट्री की जगह सिंगल एंट्री हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये हमने लिस्ट निकाली अकाउंट वाइज, ये लिस्ट आ गई बैंक
ये पूरी साल की आ गई, हमने गलती कर दी। अब हम खाली 27 तारीख की निकालते हैं, 27 तारीख की एंट्री आ गई। ये देखो दोस्तों, ये हमने एक ही एंट्री से दो काम कर दिए। हमारे पास अननोन सोर्स से जितना भी पैसा आया था उसका हमने बिल बना दिया, और हमारा बैंक और कैश और सेल्स इससे मैच हो जाएगी, और हमको दो एंट्री नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर एक ही एंट्री से काम हो गया। अभी हम यहाँ बैंक में गए, ये देखो दोस्तों, ये हम बैंक में गए, ये 27 तारीख की एंट्री निकाल ली हमने। ये सेल्स आ गई हमारी, ये वो सेल्स है जो अननोन सोर्स से आई है। अननोन सोर्स से आती है तो आप उसका बैंक के नाम पे बिल काट सकते हैं, अगर आपको पार्टी के नाम से एंट्री नहीं करनी हो तो। दोस्तों ये जो था अभी तक वो रिसीव्ड की एंट्री थी अननोन सोर्स से। अब एक एंट्री हम दिखाते हैं आपको, ये है डिजिटल सिक्योरिटी से हमने पेमेंट लिया, तो अब उसकी रिसीव्ड की एंट्री कैसे करेंगे। ये पार्टी से हमारा पेमेंट आया 24/2 को, ये पार्टी ने हमको चेक दिया या नेफ्ट किया या कुछ भी किया हो, पार्टी पहले और बैंक बाद में, अब उसको एडजस्टमेंट बिल वाइज कर दिया, ये ओके हो गया, ये बैंक आ गया। दोस्तों कैश होता तो कैश कर लेते हैं और बैंक होता तो बैंक कर लेते हैं, तो बाय बैंक होगा तो बैंक करेंगे, ट्रांसफ़र अगर उसने कराया तो बैंक करेंगे, हम उसने ट्रांसफ़र किया। अब बाय चेक दिया या नेफ्ट दिया, अगर चेक दिया तो चेक नंबर लिखना है, और नेफ्ट किया तो नेफ्ट लिखना है। तो दोस्तों ये एक एंट्री पार्टी के रिसिप्ट की हो गई हमारी, ये पार्टी से हमने पैसा लिया, रिसिप्ट हो गया हमारा, डेट रेगुलर नॉट एप्लीकेबल नेफ्ट, और लॉन्ग नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दें, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। पार्टी ने नेफ्ट के थ्रू हमारे को बिल गया बाय चेक, अगर होता है तो बाय चेक, और उसने हमको अगर पेमेंट चेक से किया तो चेक बाय चेक, और ये सेव हो गया। तो ये वीडियो हो गया दोस्तों। अब एक वीडियो सॉरी एक एंट्री जो है इस पार्टी की हम करेंगे। इस पार्टी ने हमारे को पेमेंट किया, 57,000 का बैलेंस है। अब इसके रिसीव करते हैं हम तारीख, जिस तारीख को उसने हमारे को भेजा है, ये पेमेंट आया 23 फरवरी को, 30,000 रुपये का बाय बैंक से ट्रांसफ़र हुआ, ये हमारे पास पेमेंट आया। दोस्तों रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्री करते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि पार्टी पहले आएगी, कैश और बैंक बाद में आएगा। तो दोस्तों ये रिसीप्ट और पेमेंट की एंट्रियाँ होती है, इसमें पार्टी पहले आती है और कैश और बैंक बाद में आता है। तो ये एडजस्टमेंट हो गया दोस्तों, इस पार्टी से हमारे पास पेमेंट आया। और अननोन सोर्स से अगर आपके पास कोई भी पेमेंट आता है तो आप बैंक के नाम पे सेल्स का बिल बना दें उस दिन का, तो आपको दो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस पार्टी से हमारे पास नेट के थ्रू पेमेंट आया, कैश होता तो हम कैश कर देते, और बाय बैंक होता है तो बाय बैंक करते हैं, ये बैंक के थ्रू आया तो हमने इसको सेव कर लिया। तो ये हमारा कैश और बैंक और पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री हो गई। तो दोस्तों अब तक हमने पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री के बारे में बात करी है, अब हम करेंगे जनरल एंट्री की बात। जनरल एंट्रीज में क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट और कोई भी जनरल एंट्रीज अगर हम करते हैं तो दो चीज़ों की एंट्री होती है, गुड्स और सर्विसेज। कोई भी हम किसी भी तरीके अगर एंट्री करते हैं तो या तो हम सामान किसी से लेते या देते हैं या सर्विसेज लेते और देते हैं। तो इस केस में गुड्स और सर्विसेज में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट मतलब कोई भी चीज़ हम गेट करेंगे तो वो डेबिट होगी और कोई भी चीज़ हम गिव करेंगे तो वो क्रेडिट होगी। तो गेट डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट में यही होता है, डेबिट जो भी चीज़ हम गेट करेंगे वो डेबिट होगी और अगर हम कोई भी चीज़ किसी को देंगे तो क्रेडिट होगी। मान लो हमने कोई 10 रुपये का पेन लिया तो हमने उसको क्या दिया, कैश, तो डेबिट क्या होगा पेन और क्रेडिट क्या होगा कैश, मतलब हमने गिव क्या करा कैश और गेट क्या करा पेन, तो हमने पेन लिया और उसको कैश दिया। अगर मान लो कोई भी स्टेशनरी हमने ली और हमने खरीदी स्टेशनरी और अगर हमने उसको कैश दिया तो गेट क्या हुआ स्टेशनरी और गिव क्या हुआ पेन कैश। तो इस तरह से मान लो हमने अपनी कार बेची तो हमारे पास गेट क्या हुआ कैश और गिव क्या हुआ कार, तो हमने डेबिट क्या करा कैश को डेबिट करा और कार को हमने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से रिचार्ज, हमने मान लो अपने मोबाइल का रिचार्ज कराया, मोबाइल का हम अगर रिचार्ज कराते हैं तो रिचार्ज जो होगा वो डेबिट होगा और अगर हमने उसको पैसे दिए कैश तो वो क्रेडिट होगा।
इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बिल भरते हैं तो वो डेबिट होगा और उसके बदले में हम कोई पैसा देते हैं तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से हमने किसी की ट्रेनिंग ली, मान लो योगा ट्रेनिंग या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग किसी से लेते हैं तो वो ट्रेनिंग हमारे लिए हो गई डेबिट और हमने उसको पैसे दिया तो वो हो गई क्रेडिट। और अगर हम किसी का सामान या कंप्यूटर रिपेयर करते हैं तो वो हमारे लिए, जो कंप्यूटर हमने रिपेयर करा वो तो हो गया क्रेडिट और हमने उससे पैसे लिया कैश तो वो डेबिट हो गया। मतलब कोई भी चीज़ हम लेते हैं भले वो वस्तु हो या सेवा हो तो वो डेबिट होगी, और अगर हम कोई भी चीज़ देते हैं भले वस्तु या सेवा हो तो वो क्रेडिट होगी। तो दोस्तों ये है हमारी जनरल एंट्रीज़। तो दोस्तों अब हम एंट्री करके इसको समझेंगे। तो जो भी चीज़ हम लेते हैं उसको डेबिट बोलते हैं और जो भी चीज़ हम देंगे उसको क्रेडिट करेंगे। तो अब हम बीजी में इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने पेन, 10 रुपये का हमने पेन ख़रीदा तो हमने उसको कैश दिया। तो यहाँ हम जाएंगे जनरल में ऐड, तारीख डालेंगे नॉट एप्लीकेबल, हमने क्या ख़रीदा पेन। अब पेन को हम ऑफिस एक्सपेंसेस या मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। हमने इसको मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया 10 रुपीज़ और यहाँ कर दिया हमने कैश। अब हम यहाँ लिख सकते हैं बाय पेन, तो ये हमारी एक एंट्री हो गई। अब हम दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री में स्टेशनरी, स्टेशनरी हमने ख़रीदी 10 रुपये की कॉपी ख़रीदी। अब उसकी एंट्री कैसे करते हैं, स्टेशनरी लिख सकते हैं या ऑफिस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं मेंटेनेंस और या मिसलिनियस एक्सपेंसेस। ये हमने कैश लिया और यहाँ लिख दिया हमने कॉपी बाय, हमने कॉपी ख़रीदी और इसको हमने सेव कर दिया। अब तीसरी एंट्री अगर हम करते हैं कैश बाय कार, तो कैश हमने कार बेची और हमारे पास डेबिट क्या हुआ, जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट होती है, जो जाती है वो क्रेडिट होती है। तो हमने कार बेची हमारे पास कैश आया तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कार का एक अकाउंट बनाएंगे, अगर नहीं है तो इसको हम डालेंगे फिक्स असेट्स में क्योंकि ये हमारी, और डेप्रिसिएशन 15% और हाफ ईयरली 7%, 7.5% होता है, तो उसको हमने GST नॉट एप्लीकेबल उसको सेव कर लेंगे। अब हम इसकी जनरल में एंट्री करेंगे, कार बेची हमारे पास क्या आया कैश, पहले कैश आएगा डेबिट और क्या बेचा हमने कार, या नरेशन में लिख सकते हैं हम कार सेल टू रमेश या सुरेश, जो भी हमने बेचा वो यहाँ आ गया, इसको हमने सेव कर लिया। अब तीसरी एंट्री हम अगर देखते हैं तो कौन क्या एंट्री आती है तीसरी, रिचार्ज, हमने अपना मोबाइल रिचार्ज कराया तो उसके लिए हम एंट्री क्या कर सकते हैं, हमने क्या करी सेवा ली, सेवा ली मतलब रिचार्ज कराया मतलब टेलीफोन एक्सपेंसेस, कैश ये डेबिट हो गया हमारा, टेलीफोन एक्सपेंसेस जो सेवा ली और जो दिया वो क्रेडिट हो गया, तो कैश हमने दिया तो ये हमारी ये वाली एंट्री हो गई। अब उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल 1100 रुपये हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो हमने क्या करा सर्विस ली वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह आ गया एक्सपेंसेस, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, हमने सर क्या हमने क्या गेट किया इलेक्ट्रिसिटी और दिया क्या बदले में कैश। तो जो भी चीज़ हम प्राप्त करेंगे वो डेबिट होगा और जो भी चीज़ हम देंगे वो क्रेडिट होगा। इसके बाद हम एंट्री करते हैं ट्रेनिंग, हमने योगा की ट्रेनिंग ली या किसी भी तरह की ट्रेनिंग ली तो उसको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं 2500 रुपये हमने खर्च करे ट्रेनिंग पे, हमने इसको क्या दिया कैश और यहाँ लिख सकते हैं हम अपने नरेशन में योगा ट्रेनिंग, तो ये हो गया हमारा सेव। इसके बाद हम एक एंट्री और करते हैं कैश रिपेयर,
हमने कंप्यूटर रिपेयर करके दिया, हमको क्या मिला? कैश। और हमने उसको क्या करके दिया? रिपेयर। तो जो चीज़ हमारे पास आई है वो तो होगी डेबिट, और जो गई है वो होगी क्रेडिट। तो हमने, हमारे पास क्या आया? कैश। और दी क्या अपन ने? इसको दी सर्विस। तो अपने पास कैश कितना आया? 1500 रुपये। और अपन ने क्या दिया उसको? सर्विस। तो हमने सर्विस दी, सर्विस में आप देख सकते हैं कुछ भी जो आपने सर्विस दी, कंप्यूटर रिपेयर। तो जनरल एंट्री में फर्स्ट इस तरह की जो एंट्री है वो जनरल एंट्री होती है। अब हम इसके बाद दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ेंगे आगे दोस्तों। अब हम जनरल में करेंगे थर्ड टाइप की एंट्री। थर्ड टाइप की एंट्री, पहले गुड्स और सर्विसेज की हमने एंट्री की थी, अब करेंगे प्रॉमिस, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर किसी आदमी ने ली और उसका आपको तुरंत पैसा नहीं मिला, तो एक वादा उसने कराया कि मैं पैसे आपको ज़रूर दूंगा लेकिन अभी नहीं दे सकता। तो इस एंट्री में क्या हुआ? मैंने रमेश से पेन खरीदा, लेकिन उस राजेश से पेन खरीदा, लेकिन उसने, उसको मैंने उस समय कैश नहीं दिया, तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको पैसे बाद में दूंगा। तो इसमें एंट्री क्या होगी? पेन टू राजेश। लेकिन ये एंट्री ज़रूर पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तक एक्टिव नहीं रहता। तो अब जब हम राजेश को पैसे देंगे तो ये एंट्री कंप्लीट होगी, राजेश टू कैश। तो इसको अब हम बीजी में एंट्री कैसे करेंगे वो करके दिखाते हैं आपको। ₹10 का हमने पेन लिया लेकिन हमने राजेश को पेमेंट नहीं करा, तो हमने क्या एंट्री करी? पेन टू राजेश। अब हमने 2 दिन बाद उसको पैसे दे दिए। अब हम एंट्री क्या करेंगे? राजेश टू कैश। दोस्तों ये हो गया फर्स्ट कंडीशन कि हमने कोई सामान किसी से लिया, मतलब ये एक तरह की उधार की एंट्री हो गई। हमने किसी से सामान लिया, हमने उसको पैसे नहीं दिए, हमने कहा पैसे बाद में देंगे। तो इसमें 2 एंट्री होंगी, पहले जो सामान लिया वो डेबिट होगा और व्यक्ति के नाम पे क्रेडिट होगा, फिर व्यक्ति के नाम पे डेबिट होके जो हमने उसको दिया वो क्रेडिट होगा। तो अब इसी तरह के हम दूसरी एंट्री पर चलते हैं। मैंने कार बेची, तो कार बेची तो मेरे पास कैश आया और मैंने कार बेची, तो कैश डेबिट होगा और कार क्रेडिट होगा। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला यार अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे बाद में दूंगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जिस बंदे को हमने कार बेची वो तो होगा डेबिट और जो चीज़ बेची वो होगा क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हम बिजी में कैसे करेंगे? राजेश टू कार, ये एक एंट्री हो गई। लेकिन थोड़े दिनों बाद वो बंदा हमको पैसे देगा, तो अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश टू राजेश। क्योंकि कोई भी बंदा अगर उसको अपना प्रॉमिस करता है तो उसको वो प्रॉमिस पूरा करना पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या आया? कैश। और क्योंकि हमने कार की एंट्री पहले कर ली थी तो जिससे हमारे पास कैश आया अब उसके थ्रू हम ये एंट्री करेंगे। तो ये एंट्री हुई कैश टू राजेश। अब इसी में हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ? हमने राजेश को कार बेची लेकिन राजेश ने कहा 1 लाख रुपए की कार है लेकिन मैं अभी आपको 50,000 ही दे सकता हूँ और 50,000 बाद में दूंगा। तो इसमें 2 अकाउंट डेबिट होंगे और 1 अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री हम बिजनेस में कैसे करेंगे वो देखिए आप। कैश हमारे पास कितना आया? 50,000। कार की कीमत कितनी थी? 1 लाख। अब बचे कितने? 50,000।
तो दो अकाउंट हो गए हमारे डेबिट और कार अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो ये दो अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमको 50,000 मिल गया है, 50,000 का राजेश ने वादा किया है कि मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं आए हैं, तो हमको कैश 50,000, राजेश अकाउंट 50,000 और कार 1,00,000। अब इसकी हम जो एंट्री, जब राजेश हमको थोड़े दिन बाद पैसे दे देगा, तो उसकी एंट्री हम अब क्या करेंगे, कैश टू राजेश, मतलब हमारे पास क्या आया, कैश, और दिया किसने, राजेश ने। राजेश ने 5 दिन बाद हमको पैसे दे दिए, तो हमारे पास क्या आया, कैश। किसने दिए, राजेश ने। तो ये दोस्तों थर्ड कंडीशन हो गई हमारे जर्नल एंट्री की। अब हम फोर्थ एंट्री पर आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं चौथी कंडीशन की तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इस केस में क्या होता है, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको मोबाइल फाउंड हुआ, मोबाइल फाउंड हुआ मतलब हमको मोबाइल मिला, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। और किससे मिला ऐसा कुछ पता नहीं है हमको, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। डेबिट जो चीज़ मिलती है वो डेबिट होती है, लेकिन ये हमारा प्रॉफिट है और अननोन सोर्स से है, तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। मोबाइल फाउंड ऑन रोड, तो अब उसके लिए पहले हम मोबाइल का अकाउंट बना लेंगे एक। फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन 15% लगा लिया, GST नॉट अप्लीकेबल, ओके। अब जनरल में हम एंट्री करेंगे, हमको मोबाइल फाउंड हुआ, जो भी चीज़ गेट होती है वो डेबिट होगी। इसका हम अंदाज से पैसे डाल दिए, 5,000 रुपये का हमको मोबाइल मिला। अब ये हमको अननोन सोर्स से मिला, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। तो ये एंट्री हमारी हो गई। दूसरी एंट्री अब हम कैसे करेंगे, हमारा मोबाइल रास्ते में खो गया, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे जनरल एंट्री में, ये देखते हैं अपन। जो चीज़ गई डेबिट, जो चीज़ आई प्रॉफिट एंड लॉस होगा, अननोन सोर्स से होगा। हमारा लॉस क्या हुआ, मोबाइल। तो ये एंट्री हो गई, हमने, हमारे यहाँ लॉस हो गया, हमने मोबाइल खो दिया। अब इसी में तीसरी तरह की एंट्री, मान लो कोई मशीनरी है हमारी और वो बर्न हो गई, तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। तो अब बिजी में इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। पचास हज़ार की मशीनरी जल गई हमारी, प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा लॉस कहलाया। अब इसी में आगे एक और एंट्री देखते हैं, ये कंडीशन फोर हो गई। अब इसके आगे की हम कंडीशन में चलते हैं, हमने राजेश को 10,000 का गुड्स बेचा और हमको पता है राजेश पैसे देगा, लेकिन राजेश शहर छोड़कर चला गया, वो कभी लौट के नहीं आएगा। तो हमारी पहली एंट्री जो होगी वो राजेश डेबिट टू गुड्स क्रेडिट। तो राजेश को अपने सामान बेचा और उसने वादा किया मैं पैसे दूंगा, लेकिन राजेश शहर छोड़ के चला गया और कभी लौट के नहीं आएगा, तो ये हमारा लॉस कहलाएगा। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, राजेश अकाउंट डेबिट, हमारे यहाँ से क्या सामान चला गया, हमने उसको कंप्यूटर दे दिया या कोई भी सामान आप लिख सकते हो, कंप्यूटर्स, ये हो गया, लेकिन राजेश अब कभी लौट के नहीं आएगा, तो हमने उसको लॉस में डाल दिया। तो दोस्तों ये हमारी जनरल की सारी एंट्रियाँ थी, और जनरल के एंट्री में जो सबसे प्रमुख बात ध्यान रखने वाली ये रहती है कि डेबिट, जो भी चीज़ हमने गेट करी या प्राप्त करी, जो ली वो डेबिट होगा, जो भी चीज़ हमने दी या गिव करी वो क्रेडिट होगा। हमने अगर कोई चीज़ खरीदी है तो वो डेबिट होगा, बदले में जो चीज़ दी है वो क्रेडिट होगा। हमने कोई भी सर्विस अगर ली है
रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, वो डेबिट होगा। ट्रेनिंग और हमने कुछ भी चीज़ दी है तो क्रेडिट होगा। तो दोस्तों एंट्री, जनरल एंट्री करते समय एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या चीज़ डेबिट होगा और क्या चीज़ क्रेडिट होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट विदाउट आइटम। तो अब आते हैं दोस्तों हम कॉन्ट्रा एंट्री पे। कॉन्ट्रा एंट्री को समझने के लिए समझना होगा कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो कैश और बैंक या बैंक टू बैंक, अगर कोई एंट्री कैश से बैंक में है, बैंक से कैश में है या बैंक से बैंक में है, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। एग्जांपल के लिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 1500 रुपये, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बाय बैंक टू कैश, पैसा कहाँ बढ़ रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है, कैश में। तो ये एंट्री बनी बाय बैंक टू कैश। अब दूसरी एंट्री अगर हम बनाते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक मतलब अपने पास कैश आया, कैश पैसा कहाँ बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है, बैंक में कम हो रहा है। तो ये दूसरी एंट्री हो गई हमारी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब ये दो एंट्री तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, अब तीसरी एंट्री कौन सी कंट्रा एंट्री होती है, अगर हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में ही आती है। जैसे मैंने मेरे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा, जैसे मैंने अपने ICICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा और किस बैंक से किया, तो डेबिट वो बैंक होगा जिसमें बढ़ गया पैसा, क्रेडिट वो होगा जिसमें पैसा कम हुआ। तो दोस्तों ये हमारी एंट्री थी कॉन्ट्रा एंट्री इस चैप्टर में, हमारे पेमेंट रिसीव्ड जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट कंप्लीट होते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम पेमेंट सेल्स रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड जर्नल कॉन्ट्रा के बाद अब आते हैं हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में क्या फ़र्क है। ये जो सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न है, ये हमको किसी मटेरियल को अगर वापस रिटर्न करना है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट काम में आते हैं। डेबिट नोट अगर किसी से वापस लेना है, क्रेडिट नोट रिटर्न करना है तो काम आते हैं। और ये जो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट है, अगर किसी आइटम में हमारे प्राइस ज़्यादा लग के आ गई है गलती से, तो हम परचेज में अगर हमको कोई प्राइस ज़्यादा लग के आ गई है तो हमको डेबिट नोट बनाना पड़ेगा। समझने के लिए जैसे हम एक बिल बनाते हैं, पहले ये हमारी परचेज़ हुई। अब इस परचेज़ में 220 रुपये की जो प्राइस लगाई है, ये पार्टी ने गलत लगा दी, जबकि हमारी बात हुई थी कि आपको 200 रुपये की प्राइस से सामान भेजना है। तो पार्टी ने 220 रुपये के हिसाब से 22,000 का बिल बनाया, टैक्स मिला के ये होता है 25,960 रुपये, जबकि एक्चुअल में बिल 3600 रुपये का टैक्स बना के 23,600 का होना चाहिए। अब हमको डेबिट नोट कैसे बनाना है, डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल्स, अगर आपने किसी को माल बेचा है तो डेबिट नोट होगा, ऊपर यहाँ डेबिट नोट लिखा हुआ आएगा, लेकिन यहाँ आपको लेना है क्रेडिट नोट अगेंस्ट परचेज, आपने किसी से माल खरीदा है उसको आपको सप्लाई इनवर्ट देना है। पार्टी का नाम आ गया। अब आपको कितने रुपये का डेबिट नोट बनाना है, 2000 रुपये का आपका 20 × 100 2000 रुपये, 2 परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में कितने रुपये आएंगे, 2000 रुपये परचेज अकाउंट में आएंगे, 2360 रुपये जो हैं हमको रिटर्न करने हैं,
यहाँ आएंगे 2000 रुपये, अब यहाँ आएगा CGST, और SGST 180, तो टोटल 2360 रुपये। तो ये हमारा डेबिट नोट बनेगा। अब यहाँ हम एंटर करके इसको सेव करेंगे। सेव करते ही ये पूछेगा सेल्स परचेस रिटर्न, आप जो डेबिट नोट बना रहे हो किसके अगेंस्ट बना रहे हो, सेल्स एंड परचेस रिटर्न। उसके बाद ओरिजिनल बिल नंबर क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डेट 9/4, ये सब अपने आप आ गया। देखिए आप 9/4 HSN को यहाँ पे GST आपको डालना है, कितने परसेंट GST है। उसके बाद इनपुट गुड्स रजिस्टर्ड और सेव करना है आपको दोस्तों। ये ऑटोमेटिक GSTR2 में रिफ्लेक्ट होगा आपके, हम रिपोर्ट्स में जाएंगे GSTR2 में। ये दोस्तों यहाँ आ गया टोटल टैक्सेबल अमाउंट माइनस 180, क्योंकि हमने ये परचेज रिटर्न करा है तो हमको टैक्स वापस देना है, तो ये 180 हो गया दोस्तों। अब हम क्रेडिट नोट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। जैसे किसी पार्टी को हमने ज़्यादा अमाउंट का बिल बना के दे दिया, माउस 100 पीस 220, ये आ गया 25,960, 1980 टैक्स आ गया, ये हमने सेव कर लिया। अब पार्टी से बात हुई थी 200 रुपये की, हमने उसको बिल बना दिया 220 का, अब हमको उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा। अब आ गया यहाँ क्रेडिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, मतलब आपने सेल्स आउटवर्ड कराया उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। पार्टी है अर्श, अब कितने रुपए का एक्स्ट्रा बिल बना है, 20 × 100 2300 टोटल टैक्स पर 2360 और 360 रुपये टैक्स, तो यहाँ आ गया 2360 रुपये। सेल्स अकाउंट में जाएंगे 2300 रुपये, सेल्स अकाउंट में जाएंगे 2000 रुपये, बाकी SGST 180 रुपये और CGST 180 रुपये। तो दोस्तों ये बनेगा क्रेडिट नोट। अब सेव करके हम आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आपने क्रेडिट नोट अगेंस्ट किसके बनाया, सेल्स एंड परचेज रिटर्न। अब ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, अब अगर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर ध्यान नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पार्टी का डैशबोर्ड खोल सकते हैं, यहाँ पार्टी सेलेक्ट करनी है फिर पार्टी डैशबोर्ड खोलना है। तो दोस्तों ये पार्टी का डैशबोर्ड आ गया, उसके सारे बिल आ गए आज तक के, लास्ट बिल ये बनाया था हमने 66, इसको क्लिक करें शो फुल वाउचर, ये फुल वाउचर आ गया, और इसको वापस डबल क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों अपना वाउचर खुल गया, ये HSN कोड आ गया, ये अमाउंट आ गया, ये टैक्स आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पर। तो आपको सिर्फ बिल नंबर चाहिए, ये दोस्तों सब आ गया, यहाँ 18% रजिस्टर, और ये दोस्तों सेव हो गया। अब इसका रिफ्लेक्ट कहाँ पड़ेगा, GSTR1 में, तो हम GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिटर्न्स GSTR1, दोस्तों ये आ गया आपका 2360 टोटल इनवॉइस टैक्सेबल और 360 टोटल टैक्स GST CST। तो दोस्तों ये था हमारा क्रेडिट नोट।